गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कराने जा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट, गिव द स्टेक, यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ओके, इसमें भी सेम प्रोसेस है, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, उसी तरह हमको क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करना है। इसमें भी वही चीज पूरा है कि आपको वेरिएबल पार्ट को सेपरेट करना है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो ए पार्ट है डियर स्टूडेंट, 3n माइनस 10 इक्वल टू 46। सेकेंड पार्ट है 5n प्लस 7 इक्वल टू 70। एंड सी पार्ट है आपका 20p अपॉन 3 इक्वल टू 14। एंड डी पार्ट के क्वेश्चन है आपके 3p अपॉन 10 इक्वल टू 6। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे, सारे पार्ट को मैं सॉल्व करवाऊंगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कराने जा रही हूं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है आपका 3n माइनस 2 इक्वल टू 46। ओके, अब देखिए आप क्या करोगे, आप कुछ भी करके वेरिएबल पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं, राइट। तो अगर देखिए यहां पे माइनस 2 है बच्चों, तो अगर हम प्लस 2 का साइन लेते हैं तो माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है, कैंसिल होता है, इवन जीरो आते हैं। तो ये पार्ट हमारे क्या हो जाएगा बच्चों, वेरिएबल। देखिए 3n माइनस 2, ये तो क्वेश्चन का था डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना आपको, ठीक है। एडिंग टू बोथ साइड, यहाँ पे हम प्लस 2 ऐड कर देंगे, ऐसा हमने क्यों किया, वेरिएबल पार्ट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है, जीरो होता है ना बच्चों, तो 3n माइनस 0 इक्वल टू 48, राइट। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 अपॉन 3, 16, ठीक है। आपका एन का कितना आ चुका है, 16 आ चुका है, एन की वैल्यू आपके पास 16 आ चुका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, LHS में आपको पुट करना होता है, यहाँ पे आप LHS कीजिए, ठीक है। LHS की वैल्यू क्या गिवन है, 3n माइनस 2, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अगर हमारा आंसर 46 आता है, इट मीन्स कि हमारा RHS करेक्ट है और जो n की वैल्यू आया है बच्चों वो बिल्कुल ही करेक्ट आया है। देखिए 3 × 16 − 2, 48 − 2 कितना होता है, 46, बिल्कुल करेक्ट है ना, सेम है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे n = 16 is the correct solution।